नमस्कार, रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। तेजस्वी यादव इन दिनों अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। जी हाँ, और तेजस्वी चाहते हैं कि अन्य राज्यों में भी आरजेडी मजबूत बने। जी हाँ, बिहार में आरजेडी मजबूत है, लेकिन अन्य राज्यों में आरजेडी मजबूत नहीं है। अब तेजस्वी यादव की जो प्राथमिकता है वो ये है कि अन्य राज्यों में भी आरजेडी को मजबूत किया जाए, और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर हैं, दो दिवसीय दौरे पर हैं, और झारखंड में अब आरजेडी को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि दो दिवसीय दौरे पर हैं तेजस्वी यादव, और दो दिवसीय दौरे के दौरान वह पार्टी के प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे झारखंड में। साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 11 बजे तेजस्वी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। रविवार को पार्टी के प्रांतीय सम्मेलन में वह भाग लेंगे। जी हां, उसी दिन भाग लेंगे। झारखंड राजद को मजबूत करने के लिए राजद के कई पुराने नेताओं की पार्टी में वापसी हो रही है। तेजस्वी यादव खुद उनकी पार्टी में वापसी करवाएंगे। इस दौरान वे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। दरअसल झारखंड में पार्टी का सिर्फ एक विधायक है। पार्टी की पूर्व नेता अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार राजद झारखंड में कमजोर हो गया। यही वजह है कि हेमंत सोरेन सरकार में भी राजद की पर्याप्त भागीदारी नहीं है। पिछले काफ़ी समय से पार्टी के पुराने नेताओं की वापसी के लिए प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता प्रयास में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव झारखंड में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और राजद को बिहार की तरह संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करने के लिए विचार विमर्श करेंगे। जी हां, तो तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है कि अब पार्टी को मजबूत किया जाएगा झारखंड में भी, और इसके लिए उन्होंने जो शुरुआत है वो कर दी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।